हेलो दोस्तों, आज हम दीवार में झिरी मारने का तरीका बताने रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरा पार्टनर अभी कटिंग कर ही रहा था, ये इधर कटिंग हो चुका है, झिरी मारे नहीं है। वहाँ से हम नीचे लेके आए हुए हैं, 12 मरला का बोर्ड दिए हुए हैं। इसमें 4 लाइट ना सॉरी 3 लाइट, एक फैन का है। इधर एक लाइट इधर लगेगा और एक लाइट इधर और एक लाइट इधर देंगे और एक इधर देंगे हम। एडजस्ट फैन के लिए दिए हुए, मेरा पार्टनर अभी झीले मार रहा है। हम ब्रेकर का यूज करते हैं। ब्रेकर से यूज करने से क्यों होता है कि घंटों में काम 10 मिनट में पूरा कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा झेरी मारा जाता है इससे। देखिए कटिंग कैसा हो रहा है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। छेनी हथौड़ी रख चुके हैं, लाइन नहीं रहता उससे मैं हम लोग छेनी हथौड़ी का प्रयोग करते हैं। देखिए कटिंग कितना सीधा होता है इसमें से। ज़रा सा भी कुछ इसमें कटिंग पॉइंट नहीं रहता है। आप देख सकते हैं ये इसमें सीलिंग का अभी हम निकाले नहीं है कवर, जो कार्टून लगा हुआ था सर। ये 12 मॉडल का बोर्ड दिए हैं, दुकान का है, इसलिए इसमें सीलिंग में 6 लाइट और 2 फैन बॉक्स दिए हुए हैं। ये हम मेन मीटर के लिए सर्कुलर लगाएंगे, यहीं से इनपुट टू वायर लेके जाएंगे हम मेन बोर्ड के लिए। यहाँ कटिंग हो चुका है, अब पाइप डाल भी चुके हैं, अब देख चुके हैं, देख रहे हैं। ये मेरा MCB बोर्ड है और स्टेबलाइजर इन्वर्टर का बोर्ड था। यहाँ से नीचे लेके आए हैं, 6 मॉडलर का बोर्ड दिए हुए हैं और यहाँ से कटिंग हो चुका है, पाइप डाल चुके हैं। इसमें हम 12 मॉडलर का बोर्ड दिए हुए हैं, एक रूम में 12 मॉडलर का बोर्ड दिए हुए हैं और ये लाइट के लिए सर्कुलर डाली हुई है। यहाँ से एडजस्ट फैन के लिए दिए हुए हैं। ये दूसरा रूम है, इसमें भी इसी तरह कटिंग की हुई है और लाइट के लिए सर्कुलर और एडजस्ट फैन के लिए भी वहाँ सर्कुलर दिए हुए हैं। हम लोग चारों तरफ से जब भी हम लोग सीलिंग वायरिंग करते हैं तो चारों तरफ से पाइप को गिराते हैं, क्योंकि कटिंग कम होता है उसमें, इसीलिए हम लोग चारों तरफ से पाइप गिराते हैं। यहाँ भी फैन बॉक्स का अभी तक कवर नहीं निकाले हुए कार्टून, और निकाल नहीं देंगे। यहाँ 12 मॉडलर का बोर्ड दिए हुए हैं और ये मीटर के लिए